जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों से हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आप हमें ये बताइए कि इस समय वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो कुछ भाई अभी कह रहे होंगे कि अरे सर, अभी से जस्ट पहले आपका वीडियो मैंने देखा था और आप उसमें 54 करके चिल्ला रहे थे। तो इसका मतलब है कि वर्तमान में क्या 54 रामसर स्थल है? कुछ भाई ऐसा आंसर कर रहे होंगे और कुछ भाई अभी एकदम बिल्कुल निद्रा में होंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि अपडेट कहाँ पे हो रहा है। अगर 3 साल पहले किसी गुरुजी से उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा है तो बस वही अपना पोथी पत्रा में वो लिखते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने बताया था कि उस समय 22 था तो यही होगा। कुछ लोगों का ऐसा भी आंसर अपनी उस तरफ से आ रहा होगा। क्यों भाई, ऐसे ही हो रहा ना कुछ? अच्छा, कुछ लोग थोड़ा भाई ज़्यादा अपडेट रहते हैं, न्यूज़ उसको अच्छी तरीके से देखते रहते हैं तो वो ज़्यादा अपडेट रहते हैं तो उनका आंसर हो जाएगा हाँ सर, इस समय ज़्यादा बढ़ गया है। तो 54 आप बता रहे थे, नहीं देखे थे वीडियो फिर भी 54 है। लेकिन एकदम से जो अपडेट वाले बच्चे होंगे प्यारे प्यारे, वो मुस्कुरा के आंसर दे रहे होंगे सर वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 64 हो चुकी है। अच्छा, मतलब अभी जस्ट जो है 5 रामसर स्थल का वीडियो मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया और उसमें मैंने आपको बताया कि 3 रामसर स्थल तमिलनाडु में, 1 रामसर स्थल मिजोरम में और 1 रामसर स्थल जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा। ठीक है, अभी क्या हुआ कि भैया 10 रामसर स्थल जो है और हमारी साइट्स में जुड़ गए। बात समझ रहे, कितने रामसर स्थल? 10 रामसर स्थल जुड़ गए, जिसमें से 6 रामसर स्थल तो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु से जुड़ गया और 1 रामसर स्थल मध्य प्रदेश, 1 रामसर स्थल कर्नाटक, 1 रामसर स्थल गोवा और 1 रामसर स्थल उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अभी तक सर जो हमने पिछला वाला वीडियो आपका देखा उसमें जो कुछ हमने पढ़ा, क्या कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे? बिल्कुल भाई, बात समझ रहे हो, यही तो जीएस की खूबसूरती है। अब सर खूबसूरती नहीं, बहुत पगलवाता है, बात समझ रहे हो, यही जीएस की खूबसूरती है कि जो ये डेटा वेरिएशंस होते रहते हैं इन पे हमको एकदम अपडेट रहना होता है, नहीं तो क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हो जाते हैं और ये सब बच्चों के बस की बात नहीं होती है। बात समझ रहे हो, इसीलिए जो बच्चे अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को अपडेट में रखते हैं वही बच्चे जल्दी से सेलेक्ट भी हो जाते हैं। बात समझ रहे हो, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग इन 10 के 10 रामसर स्थलों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर आप सभी लोग देना। अच्छा, उन सोए हुए सभी भाइयों के लिए हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भैया? आंसर डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो भैया डायरेक्ट बताओ, पहले था 54, इसमें सर 10 और जोड़ दीजिए, ये हो गया 64। मतलब अभी के जस्ट अगर आज की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे कुल 64 रामसर स्थल हैं, डिक्लेयर कर दिया गया इनको। बात समझ रहो, और आप लोग टेंशन अभी ना लो भाई, ये आंकड़ा आपका जो है 15 अगस्त से पहले पहले तक लगभग जो है यह 75 तक पहुँचने वाला है। तो और भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और डेली अपडेट देते रहेंगे कि भैया देखो ये बढ़ गया है, जैसे 5 बढ़ा था तो उसके बारे में बताया और 10 बढ़ा तो इसके बारे में हमने वीडियो जो है आप सभी को ला करके समझा रहे हैं। बात समझ रहे हो, तो ये अभी याद रखो कितना 64। अच्छा, एक डेटा जरा भाई और नोट करो, वो क्या होगा कि सर आप 54 जो पहला वाला आपका वीडियो था उसमें आप ये चिल्ला रहे थे कि सर्वाधिक अगर बात किया जाए रामसर स्थलों की तो वह उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब भैया उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक राज्य आपको और बताना पड़ेगा। वो कौन सा राज्य सर? अरे वह राज्य है भैया तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास भी वर्तमान में कुल 10 रामसर स्थल हो गए। कितने रामसर स्थल? 10 रामसर स्थल। और एक राज्य अपना और है उत्तर प्रदेश, इसके पास भी कुल 10 रामसर स्थल हैं, इसके पास भी कुल 10 रामसर स्थल हैं और तमिलनाडु के पास भी कुल 10 रामसर स्थल हो गए। तो ये डेटा थोड़ा सा आपको अब बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 10 हमारे अब बढ़ चुके हैं।
ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। एक डेटा दोस्त आपको और नोट करना है कि गोवा एक ऐसा भारतीय राज्य था जहाँ पे रामसर स्थल नहीं थे, लेकिन वहाँ पे एक रामसर स्थल बनाया गया, डिक्लेयर किया गया। उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे गोवा में जो नंदा लेक है, यह गोवा का प्रथम रामसर स्थल है। याद रखना, गोवा का फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? नंदा लेक। अभी इसके बारे में चर्चा और भी करेंगे, ये थोड़ा सा याद रखो। और बताएं आपको, सीरपुर वेटलैंड जो है यह मध्य प्रदेश का तीसरा वेटलैंड बना, तीसरा रामसर साइट बन गया। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते रहो। अच्छा, जिन भाइयों को ये जानकारी चाहिए कि सर ये वेटलैंड क्या आप चिल्ला रहे हो, ये रामसर साइट के बारे में आप क्या बता रहे हो, तो वह जो है लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके वो वाला वीडियो देख लेंगे, तो वहाँ से अच्छी तरीके से उनको जानकारी हो जाएगी कि ये रामसर स्थल क्या होता है, यह आर्द्रभूमि क्या होती है, और रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था, ये रामसर नाम का शब्द कहाँ से आ गया। ये सारी जानकारी जो है हमने एक वीडियो में प्रोवाइड किया है, यहाँ सिर्फ चर्चाएँ हम इस पर करने वाले हैं, इसीलिए जो है ज़्यादा हम डीप उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो पहला जो जुड़ा है कुंथानकुलम पक्षी अभयारण्य, बात समझ लो, अंग्रेजी के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना भाई, बड़ा तगड़ा वाला अंग्रेजी है, पढ़ भी नहीं पाओगे सही तरीके से, इसलिए हिंदी देखो। कुंथानकुलम पक्षी अभयारण्य हमने लिख दिया है उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी वाले हैं, वो सब अपना पढ़ लें इसी में से, ठीक है। और सुनो, नेक्स्ट वाला है भैया मन्नार की खाड़ी, क्या है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है आपका वेम्बनूर वेटलैंड, और अगला है वेलोड पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है वेदांथांगल पक्षी अभयारण्य, और नेक्स्ट है आपका उभयामार्थांदपुरम पक्षी अभयारण्य। ये छः के छः जो पक्षी अभयारण्य हैं, ये छः के छः जो रामसर साइट्स हैं हमारी, ये तमिलनाडु में बनाई गई। कहाँ बनाई गई हैं? ये सभी की सभी जो हैं वो तमिलनाडु में बनाई गई, तमिलनाडु में डिक्लेयर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वह है सीरपुर वेटलैंड जो है यह मध्य प्रदेश का है, और रंगाना थिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक का, नंदा लेक जो है गोवा का, और सतकोसिया गार्ज अभयारण्य उड़ीसा में डिक्लेयर किया गया। तो ये 10 के 10 जो है रामसर स्थल अभी भारत में नए डिक्लेयर किए गए हैं। ये आप ट्विटर के माध्यम से, भूपेंद्र यादव जी के ट्वीट से पता भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण और इन सारी जो भी चीजें होती हैं उसके मंत्री वही हैं, तो आप देखोगे उनका ट्वीट तो आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि जस्ट उन्होंने 5-7 घंटे पहले जो है वो ट्वीट किया था, ठीक है। बाकी आप इधर न्यूज़ में भी देखोगे तो ये सारी चीज़ें धीरे से आ जाए, मतलब खुल के आ रही हैं, आप इनके बारे में और भी डिटेल्स पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ आपके लिए विशेषकर आप इन 10 के 10 याद रखो। नेक्स्ट कोई और अपडेट होता है तो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मस्त रहो और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अपडेट करते रहो। पिछला वाला जो कॉपी वॉपी रखे उसको निकाल लो और ये चीज़ें आप उसमें मेंशन कर लो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।